नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा है हुंड्स रूल। अब देखो, ये वीडियो मुश्किल से 10 मिनट की होगी या 15 मिनट की ज़्यादा से ज़्यादा, तो लेकिन मैं पूरा कंसेप्ट आपको 1 मिनट में पहले ही बता देता हूँ। हुंड्स रूल की मदद से हम स्पेक्ट्रल टर्म निकालेंगे। क्या निकालेंगे? हम स्पेक्ट्रल टर्म निकालेंगे। तो जो हम स्पेक्ट्रल टर्म निकालेंगे वो क्या होगी? वो ग्राउंड स्टेट की होगी सीधा, ठीक है? तो हम सारी स्पेक्ट्रल टर्म ना निकाल के हम सीधा एक स्पेक्ट्रल टर्म निकालेंगे, और वो किसकी होगी? ग्राउंड स्टेट की होगी। बहुत ज़्यादा सिंपल है। हम इसमें तीन रूल पढ़ेंगे, उन तीनों की मदद से निकालेंगे। तो मैं समराइज़ कर देता हूँ पहले ही। पहला रूल में हम देखो क्या करेंगे, हम एस का वैल्यू निकालेंगे, स्पिन एंगुलर मोमेंटम हम निकालेंगे, मैक्सिमम वैल्यूज़ की हमें निकालनी है। दूसरे केस में क्या निकालेंगे? हम एल निकालेंगे, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, इसकी भी हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। ये पहला रूल है, ये दूसरा रूल है, ठीक है? देखो, दूसरा केस पे हम कब आएंगे? यदि मान लो हमारे पास एस की मैक्सिमम वैल्यू 3-4 आ रही है ना, तो हम क्या देखेंगे उस केस में? फिर एल मैक्सिमम देखेंगे। तो बस आपको रफली इतना ध्यान रखना है जो मैंने बताया, एस मैक्सिमम देखना है, एल मैक्सिमम देखना है। फिर हमारे पास एल मैक्सिमम और एस मैक्सिमम जब आ जाएगा ना, तो तीसरे लो में क्या करना है? जे देखना है। क्या देखना है? जे की वैल्यू देखनी है। तो जे की वैल्यू हम दो केसेस में देखेंगे। जो मेरी स्टेट है वो हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड से कम है, या हाफ फील्ड से, देखो हाफ फील्ड से कम है तो मैं माइनस लगा देता हूँ, या हाफ फील्ड से ज़्यादा यानी मैं प्लस लगा देता हूँ, ठीक है? तो हम क्या देखेंगे? जे की वैल्यू देखेंगे। तो दो केस बनेंगे, हाफ फील्ड से कम या हाफ फील्ड से ज़्यादा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता दूँ, जैसे डी की वैल्यू एक बार मैंने ली 4 और डी की वैल्यू मैंने ली 7। अब देखो, मतलब ये कहने का मतलब क्या है? टोटल 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं डी में, लेकिन इसमें कितने? 4। तो हाफ फील्ड है तो कम है ना इलेक्ट्रॉन, हाफ फील्ड से कम इलेक्ट्रॉन है तो जे की हम कम वैल्यू लेंगे, हाफ फील्ड से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो जे की हम ज़्यादा वैल्यू लेंगे। बस ये तीन रूल हैं और कुछ नहीं है, ठीक है? मैं स्टार्ट करता हूँ। तो हुंड्स फर्स्ट रूल, तो मैक्सिमाइज स्पिन मल्टीप्लिसिटी, वही चीज़ है, हमें एस का मैक्सिमम वैल्यू लेना है। अब क्यों लेना है मैक्सिमम वैल्यू? अब हमें क्या निकालना है? ग्राउंड स्टेट, जिसका लोवेस्ट एनर्जी, मतलब कहने का मतलब है लोवेस्ट एनर्जी स्टेट निकालनी है हमें, लोवेस्ट एनर्जी स्टेट निकालनी है, ठीक है? तो जो एस का एल और एस तो हम निकालते ही आ रहे हैं पिछली वीडियोज़ में भी, मैं कई वीडियोज़ में हमसे निकालते आ रहे हैं स्पेक्ट्रल टर्म, तो उसी तरीके से एस का वैल्यू निकालेंगे। तो देखो पहला रूल क्या कहता है? ये कहता है एस का वैल्यू यदि ज़्यादा होगा तो वो स्टेट मोस्ट स्टेबल स्टेट होगी, यानी कम एनर्जी वाली होगी। समझ में आया? तो ज़्यादा एस का मतलब ज़्यादा स्टेबिलिटी, और कम स्टेबिलिटी का मतलब कम एस की वैल्यू। तो ये सीधा सा मतलब इसका है। अब ये है क्यों ऐसा? अब देखो, मान लो मेरे पास, देखो एक केस तो ये होगा, ये 1/2 है इलेक्ट्रॉन का केस, और ये -1/2 होगा, दोनों के स्पिन है, ठीक है ना? एक तो ये केस होगा और एक केस ये होगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। ये 1/2 1/2 ले लिया, दोनों एक ही डायरेक्शन में आके। अब ध्यान से देखना मैं कहना क्या चाहता हूँ। देखो एस का वैल्यू इस केस में क्या आएगा? दोनों का 0 हो जाएगा, है ना? वेक्टर क्वांटिटी है, घट गई दोनों, जो वेक्टर की फॉर्म ऐड करेंगे 0 आएगा। यहाँ पे 1/2 1/2 दोनों एक ही डायरेक्शन में, एस का वैल्यू कितना आया? 1 आया। समझ में आया? तो मैक्सिमम वैल्यू है कितना ये? अब देखो ये क्या है? ये रिपल्सिव केस है। ये क्या है? अट्रैक्टिव। कोलम रिपल्सन होगा यहाँ पे। क्या होगा? कोलम रिपल्सन। अब देखो जो मेरे पास एनर्जी होगी ना, आप इस बात को ध्यान से देखो, जो मेरे पास एनर्जी होगी वो क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी डिस्टेंस के। तो रिपल्सिव केस में आर का वैल्यू क्या होगा? ज़्यादा। आर का वैल्यू ज़्यादा है, देखो एस की वैल्यू यहाँ मैक्सिमम है ना, तो इस केस में आर रिपल्सिव केस आया, तो रिपल्सिव केस में आर की वैल्यू ज़्यादा होगी। ये मेरे पास ज़्यादा होगा तो एनर्जी क्या होगी? मेरे पास कम होगी। तो कहने का मतलब एनर्जी कम आ गई। कहने का मतलब है जब एस की वैल्यू जी, अब एनर्जी कम है तभी तो स्टेबल है। स्टेबिलिटी कब आती है? जब हमारे पास कम एनर्जी होती है। समझ में आई बात? ठीक है, ये चीज़ आप 9th 10th 11th 12th से पढ़ते आ रहे हैं। तो लोवेस्ट एनर्जी मीन्स मैक्सिमम स्टेबिलिटी हमारे पास। देखो उस चीज़ को ऐसे समझो, अब देखो अब मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे मेरे पास ये एक पोटेंशियल वेल है, ठीक है ना? यहाँ पे एक पार्टिकल है, ठीक है? और ये इस चीज़ को ऐसे, अब देखो यहाँ पे एक पार्टिकल है, ठीक है ना? अब यदि मैं इसको इस साइड या इस साइड डिस्प्लेस कर दूँ हल्का सा भी, तो वो इधर और इधर आ जाएगा, तो अपनी पोजिशन से हट गया, तो इसमें स्टेबिलिटी कहाँ रही? कहीं भी नहीं। यहाँ पे मेरे पास एनर्जी है, यहाँ पे मेरे पास डिस्टेंस है। अब देखो यहाँ पे क्या है एनर्जी? देखो यहाँ पे मैक्सिमम एनर्जी थी, ठीक है ना? तो स्टेबिलिटी कम। यहाँ पे देखो इधर उधर डिस्प्लेस करो फिर वहीं आ जाएगा,
समझ में आया या नहीं आया? तो देखो ये एनर्जी है ज़्यादा या ये एनर्जी है कम, लेकिन स्टेबिलिटी यहाँ है, तो वही है, समझ में आई बात? ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, मैक्सिमम एस देखेंगे, जहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी और एनर्जी कम मिलेगी। सेकंड रूल देखो क्या कहता है, देखो मैक्सिमाइज क्या है, स्पिन स्प्लिसिटी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी कैसे निकालते हैं, 2s+1, अब ये ज़्यादा होगा तो मल्टीप्लिसिटी तो ज़्यादा आएगी। दूसरा रूल क्या कहता है, मैक्सिमाइज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, समझ में आया? ठीक है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को मैक्सिमाइज करना। अब एक बात ध्यान से समझना, जैसे मेरे पास 3s, 3p, 3d, 1p, सपोज ये आ गए मेरे पास, ध्यान से देखना इस चीज़ को, ये स्टेट। अब देखो पहले रूल के हिसाब से हम मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम देखेंगे ताकि हम मोस्ट स्टेबल स्टेट निकाल सके या लोएस्ट एनर्जी की स्टेट निकाल सके। मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा किस में है, 3 है, अरे अरे मल्टीप्लिसिटी 1 है, तो मैक्सिमम किस में है ये, तो हमारे पास ये स्टेट आ जाएंगे। लेकिन हमारे पास तो ग्राउंड स्टेट एक ही होगी, वो हमें पता करना। अब वो क्या, अब वो हम पता करेंगे किसकी मदद से, सेकंड रूल की मदद से। अब सेकंड रूल देखो क्या कहता है, ऑर्बिटल मोमेंटम मैक्सिमाइज करो। अब यहाँ पे ऑर्बिटल मोमेंटम मैक्सिमम किसका है, इसके लिए एल का वैल्यू 0 होता है, ये एल का वैल्यू 1 होता है, एल का वैल्यू 2 होता है, तो मैक्सिमम ऑर्बिटल मोमेंटम क्या आएगा, डी का आएगा। तो अब मेरे पास ग्राउंड स्टेट ये बची, तो ये मेरे पास जो चार स्टेट थी हमने उसमें से ग्राउंड स्टेट निकाल ली, यही मोस्ट स्टेबल स्टेट है, लोवेस्ट एनर्जी स्टेट है, क्वेश्चन खत्म। तो दूसरा रूल देखो क्या कहता है, 4 स्टेट विद सेम वैल्यू ऑफ एस, देखो इन तीनों की वैल्यू एस सेम था ना, तो जिस स्टेट में लार्जेस्ट एल होगा वही मोस्ट स्टेबल होगा, समझ में आ गई बात? ठीक है, रूल थर्ड क्या कहता है, मिनिमाइज लेस देन हाफ फील्ड। देखो हाँ, यदि हाफ फील्ड से कम है, जैसे मैं अभी बता रहा हूँ P का वैल्यू कितना है 2 और P का वैल्यू कितना है 5, ठीक है। अब देखो जब हम L और S, काफ़ी बार क्या होता है L और S सेम आ जाते हैं, तो उस केस में क्या करेंगे, हम J को देखेंगे, क्या देखेंगे, J का वैल्यू। तो J का, अब J का भी हम फिर क्या देखेंगे कि स्टेट जो है हाफ फील्ड है या कम्प्लीटली फील्ड है, समझ में आया, ये प्योर ऑर्बिटल है, तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, हैस में कितने 2, तो हाफ फील्ड है, तो यहाँ पे J का वैल्यू मिनिमम लेंगे, है ना, जो भी जी निकालेंगे, ये आधे से ज़्यादा भरा हुआ है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन होने हो सकते थे जब ये हाफ फील्ड होता, लेकिन इसमें 5 है ना, तो आधे से ज़्यादा भरा हुआ है, तो इसमें जे का मैक्सिमम वैल्यू लेंगे। सिंपल सा, देखो जब एल और एस सेम होंगे ना, तो सब शेल में, तो जो लेस देन हाफ फील्ड है उसमें जे स्मॉलेस्ट होगा, तो वो किस मोस्ट स्टेबल आ जाएगा। यदि सब शेल जो हमारे पास है आधे से ज़्यादा भरी है, तो लार्जेस्ट वैल्यू देगी जे, जो उसके इसके लिए मोस्ट स्टेबल होगा, समझ में आ गई बात? ठीक है, अब देखो हम करते हैं अपना एग्जांपल स्टार्ट। 3 एग्जांपल हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं सीएसआईआर के पर्सपेक्टिव से। अब कोई से भी एग्जाम उठा के देख लेना, उसमें पूछेगा ही पूछेगा, समझ में आई बात? अब देखो करते हैं, फाइंड द मोस्ट स्टेबल या लोअर एनर्जी स्टेट निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, एस को मैक्सिमम करो, यानी मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम किस में है, मल्टीप्लिसिटी 3 है या मल्टीप्लिसिटी 1 है, तो मैक्सिमम इस केस में है, तो ये होगा। अच्छा, अब हम L देखेंगे, L देखेंगे, L मैक्सिमम देखेंगे, तो L मैक्सिमम है किन केस में, L मैक्सिमम ये रहा D का वैल्यू, तो यही मेरे पास क्या है, मोस्ट स्टेबल। थर्ड रूल पे जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, तो मोस्ट स्टेबल है, समझ में आया, और यही मेरे पास लोएस्ट एनर्जी स्टेट भी है, लोएस्ट एनर्जी स्टेट भी है। मैं आपको एग्जाम्पल्स और भी कराऊंगा, आगे चलते हैं। व्हाट टर्म्स एंड लेवल्स कैन अराइज, वो कह रहा है क्या क्या टर्म्स आ सकते हैं, यानी स्पेक्ट्रल टर्म्स पूछ रहा है क्या क्या आ सकती हैं और लेवल्स, किससे, इस कन्फिग्रेशन से, और ये भी बताओ कि मोस्ट स्टेबल स्टेट उनमें से कौन सी है। तो दो क्वेश्चन हो गए, पहले हम स्पेक्ट्रल स्टेट्स निकालनी, अब उन स्पेक्ट्रल स्टेट में से दूसरे में क्या पूछ रहा है, मोस्ट स्टेबल स्टेट, समझ में आया। अब आप गौर से देखो, ये भी कम्प्लीटली फील्ड, ये भी कम्प्लीटली फील्ड, ये भी, ये भी, ये भी, समझ में आया। तो मेरे पास स्पेक्ट्रल स्टेट्स हम किसका किसकी वजह से आएगा, ये देखो कम्प्लीटली फील्ड का मैंने बताया था पिछली क्लासेस में, हमेशा कितना आएगा, 1s0 होगा, समझ में आया। कम्प्लीटली फील्ड का क्या होगा, 1s0 होगा, क्योंकि उसका ऑर्बिटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम की देखो 2s+1 होता है ना मल्टीप्लिसिटी, तो देखो स्पिन एंगुलर मोमेंटम कम्प्लीटली फील्ड के कारण 0, तो यहाँ 1 आएगा, तो ये 1 आ गया। यहाँ जे होता है टोटल एंगुलर मोमेंटम भी कम्प्लीटली फील्ड के कारण 0, तो यहाँ पे 0 आ गया, समझ में आया, कोई दिक्कत है।
ठीक है, ऐसे लिखते हैं ना हम अपना, यही तो स्टेट होती है हमारे पास स्पेक्ट्रल टर्म्स को लिखने की। तो अब स्पेक्ट्रल टर्म्स हमें मिलेगी किसकी वजह से, 4P1 और 3D1 की वजह से ही हमें स्पेक्ट्रल टर्म्स मिलेंगी। तो देखो हम अब इसको साइड में कर देते हैं, तो मेरे पास 4P1 3D1 इनकी वजह से ही मिलेंगी। तो नन इक्विवेलेंट केस है, तो नन इक्विवेलेंट केस है कोई बात नहीं। एल्कावेलेंट P1 कितना आएगा, 1, और L2 कितना होगा, D है, समझ में। तो ये कितना हो गया, 2 गया। तो L कितना आ जाएगा यहाँ से, मिनिमम वैल्यू तो आएगी 1, मैक्सिमम 3 होगा, तो बीच में 2 भी आएगा, ये आ गया, समझ में आई बात, ठीक है। तो अब S1 पहले इलेक्ट्रॉन के लिए 1/2, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी 1/2। तो हमारे पास S का वैल्यू कितना आ गया, 0 और 1, समझ में आई बात या नहीं आई। तो ये चीज़ें हमारे पास आ गई। तो एक बार S का वैल्यू क्या ले लेंगे, 0 सारा निकाल लेंगे L, एक बार 1 ले लेंगे, तो ये तो हम करते हैं। तो S का वैल्यू यदि हम 0 लेंगे, ठीक है, तो L का वैल्यू हमारे पास 1, L का वैल्यू हमारे पास 2, L का वैल्यू हमारे पास 3, समझ में आया, ये केस बनेगा। तो इसकी वजह से देखो निकालते हैं एक एक करके। देखो S और L, J कितना आ गया मेरे पास यहाँ पे, 1, यहाँ पे सीधा 2, और यहाँ पे J का वैल्यू कितना आया, 3। तो स्पेक्ट्रल टर्म्स निकालना बहुत आसान है। देखो L का वैल्यू, देखो S 0 तो मल्टीप्लिसिटी 1 आएगी, सीधी सी बात है। L का वैल्यू 1 कहने का मतलब है P कैपिटल, इसका मतलब क्या है, D, और L का मतलब 3 का मतलब क्या है, F। तो S 0 तो मल्टीप्लिसिटी 1 आएगी, 1 1 1, और J कितना है, 1 2 3 ना, ये 1 2 3। तो देखो इस पहले वाले केस के लिए ये, इस दूसरे केस के लिए ये, आ गया समझ में। अब बात करते हैं यदि हमारे पास S का वैल्यू 0 हो ना हो के हमारे पास S का वैल्यू कितना हो, 1। तो L का वैल्यू 1 ले लेते हैं, तो J का वैल्यू मेरे पास कितना आएगा, ठीक है, तो J का वैल्यू 0 1 2 आ गया, समझ में आई बात, ठीक है। तो L का वैल्यू 1 है, तो मेरे पास स्टेट्स कितनी आ गई, P, इस मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी, 3 हो जाएगी ना, 2s+1 है ना, इसका वैल्यू 1 है, तो J का वैल्यू कितना आएगा, 0 1 2। कोई डाउट है यहाँ तक, समझ में आया, ठीक है। अच्छा तो इसी तरीके से S का वैल्यू 1, L का वैल्यू हम क्या ले लेंगे, 2, तो J कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 2 3, ठीक है ना। तो मेरे पास L का वैल्यू 2 है, तो ये आ जाएगा D, ये मल्टीप्लिसिटी 3, 1 2 3, समझ में आई बात। तो उसी तरीके से S का वैल्यू हमारे पास कितना है, 1, L का वैल्यू इस बार ले लिया हमने 3, तो J कितना आ गया, कर लो हमारे पास ये आ गया, मिनिमम वैल्यू 2 3, मैक्सिमम वैल्यू आ गया 4, 3 और 1 4, है ना, मिनिमम 3 में 2, ये हो गया। तो L का वैल्यू 3, यानी ये आ जाएगा F, मल्टीप्लिसिटी ये 3 हो गया, ये 2 3 4। अब देखो सिंपल सी बात है, अब हमें इनमें से ही क्या निकालनी है, मोस्ट स्टेबल स्टेट। तो S का हम मल्टीप्लिसिटी, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी देखो, यहाँ मल्टीप्लिसिटी 1 है, यहाँ मल्टीप्लिसिटी 3 है, तो इनमें से ग्राउंड स्टेट हमें नहीं मिलने वाली। तो ग्राउंड स्टेट हमें कहाँ से मिलेगी, इसमें, इन तीन, क्योंकि 3 तो 3 के आगे। अब हमने S तो देख लिया, मल्टीप्लिसिटी तो देख ली, है ना, अब हम ऑर्बिटल वैल्यू देखेंगे, मैक्सिमम ऑर्बिटल वैल्यू क्या होगी। तो मैक्सिमम ऑर्बिटल वैल्यू L इक्वल टू 3, तो यही केस आएगा, तो यही मेरे पास क्या हो गई, ग्राउंड स्टेट हो गई, समझ में आया, कोई दिक्कत है, ठीक है। अब एक बात आप यहाँ ध्यान से यह देखना कि 4P1 और 3D1 है ना, 4P1 और 3D1 है, 4P1 और 3D1 है। अब देखो यहाँ पे E आया कितना, 3F2 3F3, और यह आ जाएगा सॉरी हमारे पास 3F4, ठीक है ना, समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। तो नॉन इक्विवेलेंट केस है मेरे पास, तो मुझे क्या चाहिए, लोवेस्ट एनर्जी स्टेट चाहिए। तो इसके देखो यहाँ पे अलग अलग है, ये दो वो नहीं है, तो लोवेस्ट J ही मुझे क्या देगा, लोवेस्ट J ही मुझे क्या देगा, मोस्ट स्टेबल स्टेट देगा। तो लोवेस्ट J का मतलब लोवेस्ट एनर्जी है, तो ये मेरे पास इसका आंसर होगा, समझ में आया। अब यहाँ देखो वो इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन का केस होता है जिसमें हम हाफ फील्ड, मोर देन और लेस फील्ड देखते हैं, यहाँ तो ये नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपको, चीज़ से समझ में आ जाएगा, ठीक है। J का वैल्यू मिनिमम देखेंगे, L और S मैक्सिमम देखेंगे।
अब देखो तो तीसरा क्वेश्चन, द ग्राउंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टाइटेनियम 2+ आयन इज इतना। ये हमारे पास ग्राउंड कॉन्फ़िगरेशन है इस चीज़ का, ठीक है। अब देखो मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है, इस बार हमें देखो क्या दे रखा है, कायन दे रखा है, और ये इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या है, तो लास्ट कॉन्फ़िगरेशन कितना है, 3d² है, ठीक है। अच्छा तो हमें देखो सिर्फ और सिर्फ इसमें लोएस्ट एनर्जी स्टेट पूछी है, यानी मोस्ट स्टेबल स्टेट पूछी है, सारी स्पेक्ट्रल टर्म्स निकालने की हमें आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम मैस निकालेंगे, क्या निकालेंगे, मैक्सिमम मैस, समझ में आई बात, ठीक है। मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, देखो दो इलेक्ट्रॉन है तो दोनों का ऐड कर दो तभी तो मैक्सिमम वैल्यू आएगा, 1 आ गया, समझ में आया, कोई दिक्कत है। मल्टीप्लिसिटी कितना हो जाएगा हमारे पास, 3 आ जाएगा। अच्छा अब बात करते हैं देखो L की, L हम कैसे निकालते हैं, L भी तो हम मैक्सिमम लेते हैं, L का वैल्यू भी क्या लेते हैं, मैक्सिमम लेते हैं। तो D में होते हैं ऐसे, देखो 1, 2, 3, 4, 5 ब्लॉक होते हैं, हर ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सबसे पहले D2 है तो हम ऐसे ही तो भरते हैं, पहले ऐसे भरेंगे फिर डाउनवर्ड हम करते हैं, समझ में आया। तो 2 इलेक्ट्रॉन थे हमने दोनों भर दिए, तो देखो यहाँ पे स्मॉल L, DL कितना है, DA2 ही तो है, तो ML का वैल्यू कितना हो जाएगा, ML का वैल्यू होगा 2, 1, 0, -1, -2, ऐसे ही तो चलता है, हमें मैक्सिमम वैल्यू लेनी होती है। तो देखो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो इनका हमारे पास कोई काम नहीं है, सीधी सी बात तो ये है, तो इन दोनों को जोड़ दो, तो L का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3, कैपिटल L, एंगुलर मोमेंटम कितना आ गया हमारे पास, 3, तो S मैक्सिमम भी पता चल गया, L का वैल्यू भी 3 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो J कितना आएगा, देखो 1 है और L का वैल्यू कितना है, 3 है, तो J कितना आएगा, मिनिमम वैल्यू तो आ जाएगा 2, मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा, 4, 3 और 1, 4, तो J का वैल्यू 2, 3, 4 आ गया। तो हमारे पास जो एक्चुअली में स्टेट्स आई हैं वो स्टेट्स आई कितनी हैं, L जैसे 3 है, L 3 किसके लिए होता है, F के लिए हमारे पास होता है, ठीक है ना। तो मल्टीप्लिसिटी कितनी है हमारे पास, 3 आई है, ये तो हमारे पास स्टेट्स कितनी है, 3F3, 3F4, ये आ गया, कोई डाउट है। अब बात ये है, अब ये D2 है, ये लेस देन हाफ फील्ड है ना, क्योंकि हाफ फील्ड कितना होगा, 5, क्योंकि इसमें टोटल 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं डी और डी सब सेल में, तो हाफ फील्ड है, लेस देन हाफ फील्ड है, तो हाफ फील्ड से कम इलेक्ट्रॉन है तो हम कम ही जे का वैल्यू लेंगे जैसे मैंने बताया। तो हमारे पास जे का वैल्यू कितना आएगा, कम, यानी सबसे कम जे का वैल्यू 2 ही है, तो हमारे पास यही मोस्ट स्टेबल स्टेट होगी, यही हमारा क्या होगा इसका आंसर, क्वेश्चन हो गया खत्म, समझ में आया। क्वेश्चन हमारे पास अगला है 4th, व्हाट इज द टर्म ऑफ द लोएस्ट एनर्जी स्टेट, टर्म पूछ रहा है, टर्म सिंबल पूछ रहा है लोएस्ट एनर्जी स्टेट का। देखो ये कार्बन है, ठीक है, देखो इससे तो कोई कंट्रीब्यूशन हो, स्टेट यदि पूछे तो 1s0 होता है, कंप्लीटली फील्ड है इसके कारण, लेकिन हमारे पास 2p2 भी है तो इसको तो हिस्से को तो हम भूल ही जाओ, हम सिर्फ और सिर्फ किसके कारण निकालेंगे, इसके कारण। और देखो p2 का निकालना है, d2 का हम ऑलरेडी निकाले हैं, ये p2 का, ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है, तो कमेंट सेक्शन में आपको उसका आंसर बताना है कि लोएस्ट एनर्जी स्टेट क्या आएगी। अगला है 3d5, तो देखो 3d5 के लिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, तो 3d5, n का वैल्यू 3 है, d ऑर्बिटल है और 5 इलेक्ट्रॉन उसमें है, तो देखो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, कोई बात नहीं, तो L का वैल्यू मैक्सिमम, S का वैल्यू भी मैक्सिमम, हम ऐसे ही तो निकाल दें ग्राउंड स्टेट। तो देखो 5 इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, 4, 5, पाँचों पाँच भर गए, 2, 1, 0, -1, -2, क्योंकि L का वैल्यू 2 था ना यहाँ पे, तो इस वजह से ये ML आ गया मेरे पास, समझ में आया। अब ध्यान से देखो सारे इलेक्ट्रॉन भरे गए तो सबको इनको जोड़ देंगे, समझ में आया, इनको सभी को जोड़ो जिस तरीके से हमने ऊपर जोड़ा था, तो ये हमारे पास सम कितना आ गया इनका, इससे आ गया जोड़ने पर 0 आ गया, तो इसका मतलब है L का वैल्यू कितना आया हमारे पास, 0 आ गया, समझ में आया। S है, 5 इलेक्ट्रॉन है ना, तो कितना हो जाएगा, 1 अप, मैक्सिमम वैल्यू लेंगे सभी को जोड़ने पर आएगा 1/2, स्पिन का तो 1/2 ही होता है ना, तो सभी को जोड़ने पर हमारे पास कितना वैल्यू आ गया, ये आ गया 5/2, समझ में आई बात। मल्टीप्लिसिटी हमारे पास कितनी आ गई, मल्टीप्लिसिटी आ जाएगी 2s+1, ये कितना आ गया हमारे पास, 6 आ गया, 5/2 रखेंगे, 2 से 2 काट देंगे, 5 और 1 हमारे पास 6 आ गया। अब देखो J का वैल्यू यदि हम निकालें, ठीक है, देखो L का वैल्यू 0 और ये किसका वैल्यू है, S का, तो J कितना आ गया 5/2, तो A की वैल्यू आ रहा है J का, तो कोई बात नहीं, तो लोएस्ट स्टेट हमने निकाल ली। देखो L 0 है ना, तो S ऑर्बिटल,
मल्टीप्लिसिटी कितनी है, 6 है, तो यहाँ 6 लिखेंगे। जे कितना है, 5/2, ये 5/2, ये हमारे पास लोएस्ट स्टेट आ गई, ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। ये पूरा हाफ फील्ड था, है ना। अब देखो इसी तरीके से D4 भी निकाल सकते हो, तो ये तुम्हारा होमवर्क है, ये तुम्हें मुझे निकाल के दिखाना है, कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।